मेडिकल टर्म्स नेम। मेडिसिन, मेडिसिन को हिंदी में दवाई बोलते हैं, दवाई। क्लिनिक, क्लिनिक को हिंदी में दवाई खाना बोलते हैं, दवाई खाना। डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं, चिकित्सक। नर्स, नर्स को हिंदी में उपचारिका कहते हैं, उपचारिका। पेशेंट, पेशेंट को हिंदी में रोगी या फिर मरीज कहते हैं। सिक, सिक को हिंदी में बीमार कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना यह अभी बीमार है, तो बीमार को हम लोग इंग्लिश में सिक कहते हैं। वुंडेड, वुंडेड को हिंदी में घायल कहते हैं, घायल। ऑपरेशन, ऑपरेशन को हिंदी में शल्य क्रिया या फिर शल्य चिकित्सा कहते हैं। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को हिंदी में दंत विशेषज्ञ कहते हैं, दंत विशेषज्ञ। पेन, पेन को हिंदी में दर्द कहते हैं, जैसे हमें कभी कभी होता है ना, घुटनों में दर्द होता है या फिर पीठ में दर्द होता है, तो उस दर्द को हम लोग इंग्लिश में पेन कहते हैं। फैंट, फैंट को हिंदी में बेहोश कहते हैं, बेहोश। वॉमिट, वॉमिट को हिंदी में उल्टी कहते हैं, उल्टी। रेस्ट, रेस्ट को हिंदी में आराम कहते हैं, आराम। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को हिंदी में संक्रमण कहते हैं, संक्रमण। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल या फिर चिकित्सालय कहते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन को हिंदी में अंग कहते हैं, अंग। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, जिसे हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल को हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया को हिंदी में भूख ना लगना कहते हैं, भूख ना लगना। एलोपेशिया, एलोपेशिया को हिंदी में बालों का झड़ना या फिर गंजापन कहते हैं, यह भी एक बीमारी है। कोलिक, कोलिक को हिंदी में पेट दर्द कहते हैं, पेट दर्द। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में कब्ज कहते हैं, कब्ज। डायसूरिया, डायसूरिया को हिंदी में पेशाब में परेशानी कहते हैं या फिर पेशाब में रुकावट। डायरिया, डायरिया को हिंदी में दस्त लगना कहते हैं, दस्त लगना कहते हैं। गाउट, गाउट को हिंदी में गठिया कहते हैं, गठिया। वीकनेस, वीकनेस को हिंदी में दुर्बलता कहते हैं, दुर्बलता। पैरालाइज, पैरालाइज को हिंदी में लकवा कहते हैं, लकवा। इस बीमारी में मांसपेशियां काम नहीं करती है, यह एक खतरनाक बीमारी है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को तो आप लोग जानते ही हैं, इसे हिंदी में रोगी वाहन कहते हैं, रोगी वाहन। स्मोकिंग, स्मोकिंग को हिंदी में धूम्रपान कहते हैं, धूम्रपान, यह एक नशा है।
काउच। काउच को हिंदी में खांसी कहते हैं। खांसी। स्टोन। स्टोन को हिंदी में पथरी कहते हैं। पथरी। हेल्थ। हेल्थ को हिंदी में स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य। फीवर। फीवर को हिंदी में बुखार कहते हैं। बुखार। क्रच। क्रच को हिंदी में वैसाखी कहते हैं। वैसाखी को तीसरा पैर भी कहते हैं। बोन। बोन को हिंदी में हड्डी कहते हैं। हड्डी। ओबेसिटी। ओबेसिटी को हिंदी में मोटापा कहते हैं। मोटापा। लेजीनेस। लेजीनेस को हिंदी में थकावट कहते हैं। थकावट। बेड रेस्ट। बेड रेस्ट को हिंदी में बिस्तर पर आराम कहते हैं। बिस्तर पर आराम। कभी कभी डॉक्टर पेशेंट को कहते हैं कि आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो वो कहना चाहते हैं कि आपको बिस्तर पर आराम करने की ज़रूरत है। एक्नी। एक्नी को हिंदी में मुहासे कहते हैं। मुहासे। एलर्जी। एलर्जी को हिंदी में एलर्जी ही कहते हैं। एलर्जी, जिसमें पेशेंट को खाने पीने से एलर्जी हो जाती है, या फिर हवा से एलर्जी हो जाती है, या फिर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या खान पान से भी एलर्जी हो सकती है। हेडेक। हेडेक को हिंदी में सिर दर्द कहते हैं। सिर दर्द। व्हीलचेयर। व्हीलचेयर को हिंदी में पहिए वाली कुर्सी कहते हैं। इसमें दोनों ओर पहिए लगे होते हैं, इसलिए इसे पहिए वाली कुर्सी कहते हैं। ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग को हिंदी में खून का थक्का कहते हैं। खून का थक्का। मेडिकल किट। मेडिकल किट को हिंदी में चिकित्सा किट कहते हैं। चिकित्सा किट। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को हिंदी में जुकाम कहते हैं। जुकाम। मास्क। मास्क को हिंदी में मुखौटा या फिर मुखावरण कहते हैं। मुखौटा या फिर मुखावरण। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को हिंदी में आला कहते हैं। आला। सैनिटाइजर। सैनिटाइजर को हिंदी में प्रक्षालक कहते हैं। प्रक्षालक। बैंडेज। बैंडेज को हिंदी में पट्टी कहते हैं। पट्टी। इंजेक्शन। इंजेक्शन को हिंदी में सुई कहते हैं। सुई। कॉटन। कॉटन को हिंदी में रुई कहते हैं। रुई। डिटोल। डिटोल को हिंदी में डिटोल ही कहते हैं। डिटोल। तो दोस्तों, ये थे मेडिकल टर्म्स नेम। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो और भी मज़ेदार होने वाले हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।